आपसे कोचिंग ली है और 2021 में ITI कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मेरा पेपर भी क्लियर था, सिर्फ उसकी ज्वाइनिंग रहती है, वो आ ही नहीं रही है, आपको भी पता है सर। बेटा 6th क्लास में अब हो जाएगा, 5th का पेपर यहाँ दे रहा है। तो मान लो हम यहाँ पे आपके पास हॉस्टल में छोड़े बच्चे को, हॉस्टल में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मत छोड़ो। कहाँ से आए हो आप? सर रोहतक से। रोहतक से? तो रोहतक में हमारी ब्रांच है, वहाँ पर प्रॉपर तो नहीं है सर, गांव प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ा सा इधर उधर है। सर ऑनलाइन में फिर थोड़ा सा ये रहता है, बच्चा छोटा ज्यादा है तो इस करके थोड़ी सी। आप लोग जो ना देखो, मैं एक बच्चा जी, वो इसलिए तो है, बस उसके पैसे भरते रहे इसलिए तो हमने थोड़ा ही पैदा किया था। बच्चा जो है वो आकर कैसे कैसे गया ना, माँ हॉस्टल में ऐसे कैसे करेगा? नहीं कोई नहीं सर, वो तो आप लोग रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मैं जो ना देखो, मैं बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं कहूंगा। ज्यादा अच्छा बच्चा अपने पास रहते हुए उसको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दो। सर दिक्कत नहीं है, अब IMO का पेपर था उसका, मैथ्स का, तो उसका 2 रैंक आया हुआ है सर स्कूल में। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा है सर, आपकी तरीके से बना रखा है मैंने तो। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सही है, देखो पढ़ाई लिखाई जैसे जो पेरेंट्स हमारे पास पढ़े हैं वो अपने बच्चे को तो उतना पढ़ाई लेंगे, उतने पर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उसका जो ना जो सामाजिक विकास है, जो उसका व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो जो घर वालों के साथ रहेगा वो बाहर जाकर के दिक्कत है। ये कोटा फैक्ट्री सुसाइड फैक्ट्री बन गया, तो हम सोनीपत को सुसाइड फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तो पेरेंट्स के साथ मुझे तो सर ये लगता है जैसे यहाँ ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं गलत सलाह दूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको गलत सलाह। अपने पास रखो, वहां पर पढ़ाओ, हमारी ब्रांच है वहां थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम और ज्यादा की पढ़ाई की बात नहीं, हम बहुत गाइडलाइंस वो देते हैं और उतना सामाजिक विकास और सब बातें करेंगे। पढ़ाई लिखाई में 2-4 नंबर कम ज्यादा रह गए ना, मैं 9वीं के बाद हम लोग इसको ठीक कर देंगे। 1-2 साल के अंदर हर जगह ब्रांचेज चल रही है, 1-2 साल में जो है हर जगह पर इसी तरीके से चलेगा जैसे चल रहा है, और यही क्वालिटी मेंटेन होगी हर जगह पर। तो पेरेंट्स को एक काम करना कि वहां जाकर के पेरेंट्स जाके डिस्कस कर लें, बस इतना सा काम करना। जो हम पढ़ा रहे क्लासेस गाइडलाइंस बाकी सब चीजें ऐसे कैसे चलेंगी, तो फिर वही ब्रांच में, हाँ वही ब्रांच में पढ़ाना ज्यादा बढ़िया। सर जैसे सिस्टर का बेटा है 9th क्लास में, वो भी सोच रहे थे कि इकट्ठा मान लो सोनीपत, एक जना यहाँ रह लो, कोई पेरेंट्स हो ना कभी, जो 1-2 महीना आप रह गए, 2 महीना वो रह गया, कोई और रह गया, ऐसा करना वो ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर बाहर से बहुत लोग आकर के रह रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। चलिए ऐसे पर्सनल डिस्कशन आप कर लेना क्लास के बाद, जो है ऑफिस में भी बात कर लेना। बबीता मैम को मैं बुलाता हूँ थोड़ी सी देर, जो बबीता मैम आपके बारे में जो है आपको थोड़ी सी बातें अगर कुछ रह गई है तो बताएंगी। मैम बता दीजिए, रोहतक से आप हैं और आप चाहते हैं, बैठिए मैम बैठिए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास पढ़े। मैं बहुत बेसिक सी बातें आपको बता दूं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट। दिमागी विकास तो एक उम्र के बाद सभी का हो जाता है, बिना पढ़े लोग भी तो दिमाग से अपना इस्तेमाल करके सही जीवन काट ही गए ना। आज से 100 साल पहले कहाँ पढ़ते थे आपके मेरे घर वाले, को पढ़ते नहीं थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी इंसान के लिए होती है उसकी लाइफ में फैमिली, और इसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। परिवार में जो रह के बच्चा प्यार करना, जुड़ाव, लगाव, ये जो सीख सकता है ना, ये कितने धुरंधर टीचर हो उनके पास नहीं सीख सकता। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत क्लोज का होगा ना, तब भी परिवार से ऊपर नहीं होगा। मुझे प्यार एक माँ दे सकती है, एक पिता के पास जो बच्चा सेफ सिक्योर फील करता है, मेरे पीछे पापा हैं या मेरे पीछे मेरी माँ खड़ी है, तो वो चीज किसी भी टीचर, मैं अपनी तो क्या बताऊं, किसी भी टीचर के पास नहीं फील करेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम एक अच्छा परिवार दें, अपने बच्चे को सेफ सिक्योर फील कराएं। जब वो घर में आ गया ना, तो उसको ये होना चाहिए कि मैं कुछ भी बाहर मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा है। उसके मन में ये कॉन्फिडेंस भर दे, ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग पेरेंट्स। जैसे आप लोग एक माँ बाप की तरह अपने बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, वो डरे ना, घबराए ना। गलती करना इंसान का एक नेचर है, लर्निंग का बेसिक प्रोसेस होता है, हर आदमी सीखता है। आप जो यहाँ बैठे हैं इतने सारे लोग, मैं यहाँ जो खड़ी होकर बातचीत कर रही हूँ, हम बचपन याद करें, हमने चाहे किसी को नहीं बताया हो, लेकिन हमने भी बहुत सारी गलतियां बचपन में की हैं। 3री 4थी 5वीं 6ठी, ऐसा कोई नहीं है जिसने गलतियां ना की हो। तो अपने परिवार को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए हर आदमी को, हर लेडी को, कि बच्चा अपने घर में सेफ और सिक्योर फील करे। अगर आपके घर में एंट्री से बीइंग अ फादर, आप जितने लोग आदमी यहाँ बैठे हैं जिनके घर में पापा के रूप में, दादा के रूप में आप लोग हैं, तो आपकी एंट्री पे अगर बच्चा डरता है तो फिर आप अच्छा रोल नहीं निभा रहे हैं। बाप से डरना नहीं होता, जैसे माँ के साथ बच्चा फ्रैंक है वैसे ही बाप के साथ भी बच्चा फ्रैंक हो तो बात बनेगी।